बता दी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल खाना मुस्कुराना में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले का कोफ्ता। कच्चे केले में बहुत ही फाइबर पाया जाता है और ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगता है। कच्चे केले को पहले हम साफ से धो लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे ऊपर का हिस्सा काट लेते हैं, फिर इसको बीच से कट करके कुकर में उबाल देते हैं। आप चाहे तो इसको खड़ा भी उबाल सकते हैं, इसको 2 सीटी लगेगा। उसके लिए कच्चा बेसन 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मिर्चा, गरम मसाला, हींग, मीडियम साइज का 2 प्याज, 7-8 लहसुन की कलियां। बॉयल केला को पहले हम छील लिए हैं और इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1.5 चम्मच बेसन डालेंगे, ये कच्चा बेसन है और बेसन ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पकौड़ी जो है कड़ी कड़ी बन जाएगी। और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे 1 चुटकी। अब ये सबको अच्छे से मिला लेंगे हाथ की सहायता से। ये थोड़ा सा अभी गर्म है केला, तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो कड़ापन हो जाएगा, तो इसमें सब गुठली पड़ जाएगी, तो पकौड़ी अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से ऐसे दबाते हुए इसको हम अच्छे से मैश कर लिए। एकदम इसको जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह इसको भी ऐसे ऐसे दबा करके मिक्स करना था। अब चलते हैं गैस की तरफ, अब इसका पकौड़ी बना के छान लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं, तेल गर्म हो चुका है, तेल ज्यादा गर्म हो गया है। अब इसको आंच को धीमा कर देंगे, ज्यादा तेज आंच रहेगा तो पकौड़ी जल जाएगा। और इसको इस तरह से चिकनाते हुए आप लंबे का शेप दे सकते हैं, चाहे गोल का शेप दे सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब तेल में डाल देंगे, गोल में देना है तो इस तरह से हल्का सा ऐसे दबा दीजिए। कोई भी शेप आपको जो भी पसंद लगे वो शेप आप दे सकते हैं। सारा पकौड़ी डाल दिए हैं, अब इसको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे जब तक ये हल्का सुनहरा हो जाएगा, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। पकौड़ी पूरे अच्छे तरह से सुनहरा हो गया है, अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको इस तरह से निकाल लेंगे, तेल अच्छे से छान करके निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में। ये देखिए कितना सॉफ्ट पकौड़ी है, पकौड़ी तैयार हो चुका है। अब ग्रेवी बनाने के लिए ये मिक्सी के जार में प्याज लेंगे और ये लहसुन लेंगे, इसको बिना पानी डाले पीसेंगे। लहसुन प्याज पीस गया है, ये एकदम बारीक पेस्ट चाहिए इस ग्रेवी के लिए। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसमें मसाला डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, इसको ज्यादा तीखा नहीं बनाना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाले हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे, थोड़ा सा मेथी का दाना डाल देंगे। जब तक ये थोड़ा सा लाल होगा तब तक इस मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के मिला लेंगे। मेथी लाल हो चुका है, अब इसको इसमें डाल देंगे। अब इसको मीडियम आंच पे जब तक लाल ना हो जाए मसाला तब तक भूनेंगे।
मसाला देखिए भून चुका है, इसको भूनने में 8 से 10 मिनट लगता है। हल्का हल्का तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें जो है पानी डाल देंगे, पानी जो है 1 गिलास ही डालेंगे, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसको एकदम अच्छे से मिल चुका है। अब इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये ग्रेवी अच्छे से खोल जाए। तब उसके बाद इसमें पकौड़ी डालेंगे। ग्रेवी अच्छे से खोल गया है, अब इसमें पकौड़ी डाल देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट बस रखेंगे गैस पे, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। पूरी तरह से कोफ्ता तैयार हो गया, अब इसको सर्व करते हैं। इसको एक बाउल में निकाल दिए हैं और ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। आप इसको चाहे रोटी पराठा के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।